हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे इससे पहले वीडियो में कपड़े के ऊपर कटिंग कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है, अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये क्रॉस पट्टी है, ये कटोरी के साइड के दोनों पार्ट हैं, ये स्लीव्स है और ये हमारी बैक साइड है। तो पहले हमें फ्रंट साइड जॉइंट करनी है। अभी यहाँ पे हमारे कटोरी है तो इसे टक्स कैसे निकालते हैं, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। लंबाई ज़्यादा होगी तो आप 2.75 इंच पे मार्किंग करोगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको क्रॉस में पहले टक्स लगाना है। इसके ऊपर डबल सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हमारा ये टक्स पॉइंट इस तरह से आएगा। अब इसके साइड का जो पार्ट है उसको स्टिच करना है। इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। अभी यहाँ पे हमें यह डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये कटोरी के साइड का जो पार्ट था इसे हमने ज्वाइंट किया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे थोड़ा सा जो 1/4 इंच एक्स्ट्रा है उसे हमें इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद ये जो क्रॉस पट्टी है हमारी, क्रॉस पट्टी को ज्वाइंट कर लेते हैं। जैसे गले के साइड में हमें ये 4 इंच हमने लिया था, ये क्रॉस पट्टी इसे लेना है और इसके ऊपर हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये जो टक्स पॉइंट है इसे अंदर के साइड में इसको फोल्ड करेंगे, फिर ये क्रॉस पट्टी ऊपर के साइड में रखते हैं। इस तरह से हमने ये एक साइड का जो पार्ट था इसको हमने स्टिच किया है। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो कटोरी है इसे भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं।
यहाँ पे हमें डेढ़ इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस साइड में हमें ढाई इंच पे एक मार्किंग करनी है और इसे इस तरह से ये सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा ये टक्स पॉइंट है। तब इसके साइड का जो पार्ट है इसे जॉइंट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट जो थे उसको ज्वाइंट किया है। अब यहाँ पे नीचे के साइड में हमें ये क्रॉस पट्टी ज्वाइंट करनी है। अभी यहाँ पे हमारा ये टक्स पॉइंट आता है, इसे अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। अभी यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी ज्वाइन किए हैं। अब इसे नीचे के साइड में हमने ये पट्टी ली है। अब यहाँ पे हम ये पट्टी ज्वाइन करेंगे। अब एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हमें कट करना है। अभी यहाँ पे हमें आधा इंच इस तरह से फोल्ड करना है।
एक्स्ट्रा जो पट्टी है थोड़े उसे कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके ऊपर हमें ये तुरपाई करनी है। यहाँ पे हम रब सिलाई लगाते हैं, ये सिलाई जो है इसे हमें बीच में लगानी है क्योंकि साइड में हम तुरपाई कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये एक साइड में क्रॉस पट्टी को, नीचे के साइड में हमने ये पट्टी लगाई है। तो यहाँ पे हमें अंदर के साइड में किनारी पे तुरपाई करनी है और ये जो रफ सिलाई है इसे हमें खोल देना है। अब यहाँ पे दूसरे साइड में भी ये क्रॉस पट्टी को हम ये पट्टी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमने ये पट्टी को ज्वाइंट किया है, इसे अंदर के साइड में इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हमें ये रफ सिलाई लगानी है। दोनों साइड में हमने ये क्रॉस पट्टी में ये पट्टियाँ ज्वाइन किए हैं। अभी यहाँ पे हमें हुक और आई की पट्टी तैयार करनी है। अब यहाँ पे हमने ये दोनों साइड के नीचे के साइड में हमने ये पट्टी ज्वाइन की है। अब यहाँ पे हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है। तो हुक और आई की पट्टी लगाने से पहले इसे हमें थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कट करना है ताकि ये पट्टी लगाने के बाद ये यहाँ पर हमारे ये कोने नहीं निकलते, नहीं तो क्या हो जाता है ये क्रॉस पट्टी में इस साइड में हमारी ये कोने निकलते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसको भी हमें थोड़ा सा क्रॉस में कट करना है। इस तरह से हमें इसको कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये जो सीधी साइड है हमारी इसे हमें पट्टी को इस तरह से लगाना है, जैसे आधा इंच ऊपर के साइड में छोड़ के इस तरह से इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें ये सीधी सिलाई लगानी है। जैसे ये सीधा है हमारा ये पार्ट जो है, ये सीधा पार्ट है, अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। अब इसे हमें इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हमें कट करनी है। यहाँ पे भी हमें आधा इंच इस तरह से अंदर के साइड में फोल्ड करके किनारी पे सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे ये जो पट्टी हमने तैयार की है
इसे अंदर के साइड में इसको फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी हुक पट्टी है। इस तरह से हमने ये हुक की पट्टी जो थी उसको तैयार किए हैं। जैसे सीधी साइड में हमारी इस तरह से दिखती है और उल्टी साइड में हमारे इस तरह से आती है। तो यहाँ पे हमें जो हुक है वो लगानी है। अब आई की पट्टी कैसे तैयार करनी है ये देखते हैं। जैसे ये पट्टी जो है, ये पट्टी हमने सीधी साइड में लगाई थी। जैसे ये हमारी सीधी साइड थी ब्लाउज़ की और अंदर के साइड में फोल्ड किया है। अब ये जो पट्टी है इसे हमें उल्टे साइड से लगानी है। जैसे उल्टे साइड से लगा के सीधे साइड में हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ हमें ये पट्टी जो है इस तरह से लगाते हैं। आधा इंच हमें ऊपर के साइड में छोड़ के इसको फोल्ड करना है। अभी यहाँ पे हमने ये उल्टे साइड से इसको ज्वाइन किया है। अब सीधे साइड में इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई हमने लगाई है तो इस सिलाई के ऊपर ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। जैसे एक बार फोल्ड करेंगे फिर दोबारा फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हमें किनारी पे सिलाई लगानी है क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है। इस तरह से हमने ये पट्टी को ज्वाइन किया है। एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसे हमें कट करना है। इस तरह से ये दोनों साइड के जो पार्ट है, फ्रंट साइड जो थी हमारी, ये मैंने आपको स्टिच करके दिखाई है। बाकी का जो हिस्सा है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट करना, पाइपिंग लगाना, स्लीव्स को ज्वाइंट करना और फिटिंग करना, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेन पार्ट था इसको पहले आपको सिल के तैयार करके दिखाए हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।